हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काव्या और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो ग्रीन विद काव्या में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर ही आप अपने प्लांट्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ड्राई फर्टिलाइजर यानी सूखी जो खाद थी मेरे पास 3-4 तरह की, उसे मिलाकर पौधों को आप डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं उसका एक डेमो दिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स में से काफ़ी प्लांट्स को मैं ऑलरेडी खाद दे चुकी हूँ, पर जो प्लांट्स हैंगिंग पॉट्स में लगे हुए हैं और जो छोटे छोटे पॉट्स में हैं उन्हें मैं खाद नहीं दे पाई, क्योंकि उनकी सॉइल मैं बाहर नहीं निकाल सकती हूँ, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, और किसी किसी पॉट्स में तो एक से ज़्यादा स्टेम्स होते हैं, तो इस तरह से हम उन्हें खाद नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए बेस्ट होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र देना। तो चलिए आइए देखते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। हमने ये गमला लिया है, 8 इंच का गमला है ये, बिना ड्रेनेज होल का, मेरे पास एक पड़ा हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत सारे पौधों को खाद नहीं देना है, कुछ थोड़े ही पौधे मेरे पास बचे हुए हैं, तो इतने में मेरा काम हो जाएगा। जितना फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाना चाहती हूँ उतना इसमें बन जाएगा और उतने पौधों को मैं आराम से दे पाऊँगी। इसमें मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है और इसमें हम सारी खादें जो हैं वो मिला देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या मिलाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे ये 1 कप या 1 कटोरी काउडंग कॉम्पोस्ट, गोबर की खाद ये हमने लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है आपके पौधों के लिए, इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कुछ होता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, अमोनिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें 1 कप 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद। ये देखिए, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट की जगह पत्तों की खाद ले सकते हैं, 1 कप पत्तों की खाद। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप 2 कटोरी या 2 कप काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलाएंगे 1 कप नीम खली, 1 कप नीम खली लेंगे। और दोस्तों, नीम खली बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पौधों के लिए, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है। इसमें NPK के अलावा कैल्शियम, जिंक, सल्फ़र, आयरन, कॉपर ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये आपके सॉइल की जो pH जो लेवल है वो बैलेंस करके रखता है। आपके जो पौधों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पेस्ट अटैक हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं होने देता, तो आप इसमें नीम खली 1 कप मिलाएंगे। इसके बाद आप लेंगे बोन मील और ये आपने लेनी है करीब 5 चम्मच तक। इसके बाद हम लेंगे 1 कप ये छोटा सा, इसमें 2 चम्मच मैंने फंजीसाइड पाउडर डाला है, 2 चम्मच आप फंजीसाइड पाउडर भी मिलाएंगे। फंजीसाइड पाउडर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके रूट रॉट नहीं होने देता, जो पौधों में आपकी जड़ें जो गल जाती हैं वो नहीं होने देता है, फंगल डिजीज़ से बचाता है आपके पौधों को, तो ये आप 2 चम्मच डालेंगे। और लास्ट में ये देख लीजिए, ये आप लेंगे, ये मैंने लिए है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो सीवीड ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है ये ली है, और ये DAP ली है, दोनों एक जैसे दिखती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये 2 चम्मच ली है सीवीड और ये 2 चम्मच DAP मैंने ली है। DAP आपके रूट सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जो नई नई ग्रोथ होती है, नई नई पत्तियां आती हैं, बहुत कलरफुल उन्हें इफ़ेक्ट देता है, हरी हरी पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, तो इनके लिए आप DAP और सीवीड भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, पर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। दोस्तों, सारी जो खादें हैं वो एक एक करके मैंने इसमें मिला ली है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मैं अब 4 से 5 दिनों के लिए साइड में रख दूँगी कवर करके,
कवर इसलिए करना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल आ सकती है, क्योंकि हमने काउडर कॉम्पोस्ट इसमें डाला है। तो 4-5 दिनों के लिए इसे कोने में रख दूंगी जहाँ कोई आता जाता नहीं है। कवर ज़रूर कर दूंगी और बीच बीच में से मैं इसे हिलाती रहूँगी हर एक दिन, थोड़ा सा स्टर करके फिर इसे दोबारा से ढक कर रख दूंगी। और जब हमारी ये जो खाद है तैयार हो जाएगी 5 दिन बाद, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे पौधों में मैं कैसे देती हूँ। दोस्तों हमारी ये जो खाद है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे पौधों में दे सकते हैं। ये देखिए आज 5वां दिन है, अब हम इसे पौधों में देंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक मग या एक कोई भी बॉटल हो जो 1 लीटर की हो, इसमें 1 लीटर पानी आ जाता है। तो ये मग मैंने लिया है, अब इस मग में हम 1 लीटर खाद डालेंगे और इसे हम 10 लीटर पानी में मिलाएंगे, अच्छे से डाइल्यूट करेंगे और फिर उन्हें पौधों में देंगे। याद रखिए हम ऐसे डायरेक्टली सीधा आप अपने पौधों को नहीं दे सकते हैं, 1 लीटर आप इसमें से खाद लेके 10 लीटर पानी में आप मिलाएंगे और उस पानी को आप एक एक करके अपने सारे पौधों में देंगे। ये एक बाल्टी ली है, इसमें 10 लीटर पानी है और 1 लीटर खाद हमने मिला दी है, अच्छे से मिक्स कर दी है हमने और अभी बिल्कुल तैयार है पौधों को देने के लिए। तो चलिए एक एक करके सारे पौधों को हम खाद देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।